नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी टिकट की, ना सिर्फ टिकट की बल्कि सियासत में रियासत की, विरासत की। विरासत हर राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस दावा ये कर रहे हैं एक परिवार एक टिकट। टिकटों का ऐलान कुछ ही देर के बाद हो जाएगा, कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि जब हम चर्चा कर रहे हो तभी हो जाए। लेकिन सवाल इन टिकटों के बंटवारे के भीतर एक बड़ा है, बड़ा उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के भी परिवारवाद से जुड़ा है, जिससे ना तो कांग्रेस अछूती है और ना ही भाजपा। बीजेपी भले ही कांग्रेस को मुंह चढ़ाते हुए परिवारवाद पर कटाक्ष करे, लेकिन भाजपा के घर के भीतर उत्तराखंड में भी परिवारवाद की कम मसाल नहीं। कोई पिता पुत्र है तो कोई अपनी पत्नी को चुनावी रण में उतारना चाहता है। बीजेपी और कांग्रेस के घर में कमोवेश यही स्थिति है। हालात क्या है, तस्वीर क्या है, वानगी क्या है, कुछ उदाहरण के साथ मैं आगे आपको बताऊं। जब चर्चा में मेरे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं, कुछ ही देर के बाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी में भी परिवारवाद के वो उदाहरण मौजूद हैं जहां पर माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे में उनका नंबर लगभग तय है। कैबिनेट मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक अपने रिश्तेदारों को, चहितों को, बेटों को, पत्नी को टिकट लड़वाने के लिए चुनाव लड़ पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस में भी यही स्थिति है। कांग्रेस में तो बकायदा विरासत को संभालने वाले चेहरे किसी से छिपे नहीं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, जिनको उनके पिता ने सियासत विरासत में, नवप्रभात हो, उनको भी उनके पिता ने सियासत विरासत में सौंपी। ऐसे कई उदाहरण हैं कांग्रेस के घर के भीतर। और कांग्रेस के घर के भीतर कोहराम हरीश रावत के घर से खुद ही मचा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको बयान सुनाएंगे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जानेंगे कि आखिरकार क्या सियासत की विरासत अब भी जारी रहेगी भाजपा और कांग्रेस दोनों के घर के भीतर, क्योंकि दोनों घरों के उदाहरण मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले जरा ये दो बयान सुन। नहीं, देखिए, जो बहुत ही ज्यादा जिताऊ प्रत्याशी है और योग्य प्रत्याशी है, अपवाद स्वरूप बीजेपी ने एक दो टिकट ऐसे दिए हैं, वरना बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है। केवल योग्यता ही एक पैमाना है और टिकट के लिए हम हमेशा योग्यता को ही पैमाना मानते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस में परिवारवाद है और आप देख लीजिए, 21 साल से सोनिया गांधी ये अध्यक्ष हैं, उनके बाद उनका बेटा एक बार अध्यक्ष बना था, फिर माताजी अध्यक्ष बन गई और भविष्य में गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, प्रतिवर्ष जो है हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा हमें भी नहीं जानकारी है। ऐसा ही लोकतंत्र में सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है, परिवारवाद केवल और केवल कांग्रेस में। देखिए, जिस तरह से 2022 का चुनाव बिल्कुल हमारा नज़दीक है और पार्टियों में इस टाइम घमासान चल रहे हैं टिकट को लेकर के, तो मेरा कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मेरा यही कहना है कि परिवारवाद न करके कि किसी की बेटी आ गई, किसी का बेटा आ गया, किसी की बहू आ गई, परिवारवाद न करके इस टाइम कार्यकर्ता पे ध्यान देना चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने पिछले 5 सालों में पार्टी का अपना झंडा डंडा उठा करके पार्टी को मजबूत किया है, तो इस तरह से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना चाहिए और कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए ताकि वो अपने विधानसभा में अपने बलबूते पे और अपने जनता के सामने खड़े उतरे और उसकी मेहनत सफल हो। कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, यही मैं पार्टियों को कहना चाहती हूँ। दोनों तरफ से वार भी और पलटवार भी, लेकिन चुनाव की हकीकत यह है कि चुनावी राजनीति में परिवारवाद हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इस मुद्दे में के बावजूद राजनीति में परिवारवाद हावी भी रहा।
राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों में परिवारवाद की छाया से बाहर कोई नहीं निकल पाया। फायदा लेने के लिए सियासी दलों ने भी परिवारवाद को जब चाहा तब अपनाया और अपने हिसाब से उसे मुद्दा बनाया। विरासत की सियासत के दम पर राजनीति कर रहे उत्तराधिकारी टिकट की चाहत रखे हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घर। परिवारवाद की राजनीति के मामले में कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट रही है, किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने अक्सर प्रहार किया, मगर तस्वीर का एक दूसरा पहलू, क्योंकि बीजेपी खुद परिवारवाद के छाया से महफूज नहीं रह पाई। उपचुनाव, क्योंकि अभी मैं मेहमानों की तरफ रुख करूं, उससे पहले आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड में उपचुनाव हुए थे वो इस बात के साक्षी। बीजेपी के सामने नया उत्तराधिकारी के चुनाव का अवसर आया, जब मौका आया तो उसने राजनीतिक फायदा लेने के लिए परिवार के सदस्य को ही चुनावी रणनीति। उपचुनाव से हटकर बीजेपी में विरासत की सियासत उतनी ही फली फूली है जितनी की कांग्रेस में है। दर्जनों मिसालें, शुरुआत चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी से करूं, उनका भी प्रभाव रहा। बेटी रितु खंडूरी यमकेश्वर से चुनाव जीती। थराली में पार्टी के विधायक रहे मगन लाल शाह, उनका निधन हुआ, उनकी विरासत को उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने संभाला। प्रकाश पंत का निधन हुआ तो उनकी पत्नी चंद्रा पंत को टिकट मिला। सुरेन सिंह जीना की विरासत को उनके भाई महेश जीना ने संभाला। गंगोत्री सीट पर गोपाल रावत की पत्नी शांति रावत, और अब कैंट सीट पर हरबंस कपूर के बाद उनके परिवार में टिकट की चाह। कई उदाहरण है। पेरिस, अगर बीजेपी के घर की पलटी जाए तो नारायण सिंह राणा का नाम भी सामने आता है। नारायण सिंह राणा बीजेपी में पूर्व मंत्री और निशानेबाज उनके बेटे जसपाल राणा। ऐसे ही राजनीतिक विरासत इन दिनों गणेश जोशी अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे, नेहा जोशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी युवा मोर्चा। मुन्ना सिंह चौहान, उनकी पत्नी है मधु चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष है, चकराता से चुनाव भी लड़ी 2017। हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति पौड़ी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। लंबा एक फहरिस्त है लंबी बीजेपी के घर में भी, जिस पर चर्चा बहुत कम होती है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जो मेहमान, संजीव वर्मा, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। लखपत बड़ोला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि आम आदमी पार्टी की चेहरा है, प्रवक्ता है पार्टी की। कुछ ही देर में मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा सुभाष। लेकिन सबसे पहले टिकट जारी होने वाले हैं, कुछ ही वक्त में जारी हो जाएंगे, कांग्रेस के घर के भी और बीजेपी के घर के। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बाजी मार दी, लेकिन संजीव वर्मा जी, विरासत की सियासत, टिकट की चाहत, आप तो हर बार परिवारवाद परिवारवाद कहते हैं। लखपत जी देखिए परिवारवाद कर रहे हैं, लखपत जी परिवारवाद कर रहे हैं। आपके यहां तो मैंने फेरिस पढ़ी, कोई गलत तो नहीं पढ़ी? संजीव जी जरा अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अब अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, थोड़ा तेज बोलिएगा। देखिएगा आप जैसे परिवारवाद की जो एक परिभाषा है, परिवारवाद की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति राजनीति के अंदर है और उसके परिवार का भी ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं है और वो उसको अपने नाम के एक अपने नाम के सहारे पे उसको राजनीति के अंदर आगे बढ़ाता है, तो मैं सोचता हूँ इसको हम परिवारवाद बोल सकते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति कहे परिवार के अन्य सदस्य जो सक्रिय राजनीति में और संगठनों में लगातार अपनी भागीदारी निभाते रहे हो
और वो लोग अगर सक्रिय राजनीति में किसी भी पद के लिए, किसी भी जिम्मेदारी के लिए, विधायक के लिए, प्रधान के लिए, सांसद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं, तो मैं इस चीज को गलत नहीं समझता हूँ। और गलत नहीं, मैं सोचता हूँ सबका अधिकार। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं। परिवारवाद होता है जैसे कांग्रेस में अनुभव का पूरी तरह से कमी होने के बाद भी राहुल गांधी जी जिस तरह से इन लोगों ने उनको अपना एक तरह से परिवार के वंशवाद में एक उनको कुछ ना कुछ दिए जा रहे हैं, जबकि वो मैं सोचता हूँ इनके लिए तो योग्य होंगे, लेकिन जिस तरह से वो लोग बात करते हैं मैं सोचता हूँ नहीं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके घर में, अब एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा और उस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि सुभाष जी भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और क्योंकि उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से देखते समझते आ रहे हैं, कुछ ही वक्त के बाद सूची भी जारी होने वाली है आपके घर की भी, लखपत जी के घर की। मुझे एक छोटे से जवाब चाहिए आपसे सवाल का, सोच समझ के दीजिएगा। एक परिवार एक टिकट पक्का सर? सोच समझ के, एक परिवार एक टिकट, हरक सिंह रावत को साक्षी मानते हुए, हरक सिंह रावत को जहन में रखते हुए इस सवाल का जवाब दीजिएगा सर। एक परिवार एक टिकट पक्का सर? सर जिस कांग्रेस में हरीश रावत जी बेटी, अपने बेटे को भी, अपनी पत्नी को नहीं, भी, मैं हरीश रावत की बात नहीं कर रहा सर, आपने गलत नाम सुन लिया, मैंने हरक सिंह रावत बोला। हरक सिंह रावत को साक्षी मानते हुए आप बोलिए कि एक परिवार एक टिकट, की जुगत जितने में है तो अगर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई वर्मा जी, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, आवाज में दिक्कत आ गई, मैंने हरक सिंह रावत का नाम लिया, फोन सिग्नल दिक्कत है। ओके, कोई बात नहीं। लखपत जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब परिवारवाद, परिवारवाद का मतलब कांग्रेस, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता। आपके घर इस बार तो नहीं होगा ना ऐसा, एक व्यक्ति एक परिवार एक टिकट, ऐसा ही होगा ना? देखिए तिलक जी, साफ कहूं, आपने वर्मा जी को कहा परिवारवाद की बात, उनसे पूछना चाह, मुझे लगता वर्मा जी भी राजनीतिक विरासत परिवारवाद से ही आए हैं, तो इसलिए चैनल पे उनसे परिवारवाद की बात कही, वो कांग्रेस पे आरोप लगाए तो बड़ा दुखद बात है। मैं एक बार और मैं आप, मेरे परिवार में नहीं रहा है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये आपके सामने उदाहरण है। एक फौजी का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, ये आपके सामने उदाहरण है। मैं आपसे बता, लखपत जी अपनी बात रख ले, लखपत जी खुद ही परिवारवाद के पीड़ित है। नहीं नहीं नहीं, मैं सुनो तिलक जी, मैंने कहा चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये इस देश के संविधान की खूबसूरती है, और इस देश को जो मजबूत लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया उसकी खूबसूरती है, ये कोई भाजपा का दिया खैरा नहीं कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, ये जो संविधान कांग्रेस ने बनाया जिसकी धज्जियां आप उड़ाते हैं ये उसकी खूबसूरती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने परिवारवाद बात कही, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, हम कहीं किसी बात को लेकर, मैं लुका छुपी नहीं किसी प्रकार के लेकर, कोई मैं किसी प्रकार के लेकर कोई वो डर भी नहीं है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी में जो योग्य व्यक्ति होंगे जो लगातार सामाजिक काम करे, कांग्रेस में कई लोग हैं, पिछली बार भाजपा ने यशपाल आर्या और दोनों को टिकट देने का काम किया, संजीव आर्य दोनों को टिकट देने, कांग्रेस से लेके दोनों को टिकट देने का काम किया, हमारे यहाँ जो लगेगा मजबूती से दावेदारी कर क्षेत्र में रहा, वो चाहे परिवार से हो चाहे बाहर से हो, सबको मौका दिया जाएगा, और ये मेरिट के सिस्टम पे किया जाए। हमने 11 कमेटियों का गठन किया, बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर से लेकर प्रदेश तक के स्तर पे तरह तरह के सर्वे के अलावा और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर हम टिकट देंगे। इसमें ये नहीं कि किसी परिवार का लड़का और उसने कुछ काम नहीं किया तो उसको टिकट दे, हाँ कोई योग्य है, किसी का बेटा होना कोई गुनाह थोड़ी पॉलिटिक्स में, या किसी कोई योग्य है। नहीं नहीं, आप लखपत जी आपकी बात सही है, हाँ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, पत्रकार का बेटा पत्रकार, है ना सर, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं। लेकिन लखपत जी एक बात बताइए ना, रावत जी के घर में, मतलब वो हरक सिंह रावत की बात नहीं कर रहा मैं, हरक सिंह रावत की बात मैंने वर्मा जी से पूछी कि साक्षी मान के बताइए, अब आप एक और साक्षी मान के बताइए, एक और रावत जी की बात कर रहा हूँ, हरीश रावत जी, उनके घर में चार चार दावेदार टिकट, चार चार, आप बताइए सर। देखिए तिलक जी, आप जानते हैं हरीश रावत जी 2000 में चाहते तो अपने परिवार के किसी मेंबर को भी टिकट दिला सकते थे, 2007 में चाहते हो किसी को भी टिकट दिला सकता, तो आनंद रावत
यूथ का पहला प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से था, और तब देश के सारे, आप जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रत्येक प्रेसिडेंट को टिकट मिला, केवल एक राव उसको छोड़ करके, हमारे आनंद रावत को छोड़ करके। मैं कहना चाहता 2012 में क्या हरीश रावत जी टिकट नहीं दिला सकते थे? ये तो 2012 में यही कहा जा रहा था, 17 में भी कहा जा रहा था। हरीश रावत जी को एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक पार्टी, आप कहते हैं ना एक पद का एक सिद्धांत। अच्छा सुनिए ना सर, परिवार कहिए ना, परिवार से सिर्फ हरक सिंह रावत कांग्रेसी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, उनका तो डीएनए कांग्रेसी है, उसमें कहीं कोई, मैं लेकिन ये कह सकता हूँ, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, सुन लीजिए, लगातार उत्तराखंड बनाने से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में, कांग्रेस में हरीश रावत जी का बड़ा स्तर है, बड़ा उत्तराखंड के देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस में उनका एक बड़ा मान सम्मान है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 4 बार वो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और कितनी बार उन्होंने टिकट अपने परिवार को दिया, किस किस को टिकट दिया। शर्मा जी, इस बार तो सबसे पहले ओके लखपत जी, ओके, आप ये कह रहे हैं कि चाहते तो 10 को दे रहे थे टिकट, उन्होंने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया। एक मिनट, संगीता वर्मा जी, संगीता जी, आपने सुना संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता। लखपत जी कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, तो फिर राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं? अगर टिकट मांग रहे तो गलत क्या है? संगीता जी, फिर उसके बाद मैं अपने सहयोगी के पास जा रहा हूँ। संगीता मैडम, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। संगीता जी, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा। सुभाष, सुना आपने, लखपत जी कितना नाराज हो गए मुझसे, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी ना परिवारवाद पे कोई इतना बवाल होता है। हरीश रावत जी चाहते तो 2002 में टिकट दिलवा देते सबको। वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो परिवारवाद होता ही नहीं, मैंने तो लिस्ट पढ़ दी फिर भी नाराज हो रहे हैं। ये परिवारवाद वाकई नहीं है, और टिकट को लेकर क्या परिवार के भीतर घमासान नहीं है राजनीतिक दलों में? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि घमासान जरूर है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, क्योंकि इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का दबदबा रहा है उत्तराखंड की राजनीति में, दोनों ही पार्टियों की कहीं ना कहीं सरकार रही है। लेकिन बड़ी मजबूरी दोनों ही दलों की ये है कि जो बड़े नेता हैं दोनों ही दलों के, वो अपने बच्चों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और एडजस्ट ना होने के चलते जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो लगातार आप देख रहे होंगे इन दोनों ही राजनीतिक दलों में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। खासतौर से बीजेपी में हरक सिंह रावत की पॉलिटिक्स, कहा जाता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स, वो बहुत अधिक आपने देखी होगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अनुकृति गुसाई, जो कि उनकी पुत्र, ये कहा जाता है पुत्र की वाइफ है और उनकी वधु है, तो उनको वो चाहते हैं कि उनको भी टिकट मिले, इसके साथ वो चाहते हैं खुद भी वो टिकट लें। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है ऐसी ही कांग्रेस की भी स्थिति है, कांग्रेस में भी कई बड़े लीडर्स ऐसे हैं जो चाहते थे 2017 में कि उनके बच्चों को टिकट मिले, और टिकट नहीं मिला तो उनको भाजपा का दामन थामना पड़ा, और क्योंकि जैसे ही भाजपा की सरकार का खत्म, यानी कि कार्यकाल खत्म हुआ, वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। जैसे कि यशपाल आर्य की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी नाराजगी थी कि वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, रातों रात टिकट दिलवाया था लखपत जी, भूलिएगा मत, वर्मा जी ने कैसे रातों रात टिकट दिया था, रात को आए और सुबह टिकट कहला, बेटे को भी और पिता को भी पुत्र को भी, दोनों को टिकट का गिर, फिर भी वो परिवारवाद नहीं करते। वर्मा जी, सुना ना आप, प्लीज कंटिन्यू सुभाष। ये तिलक जी है कि अब कहा जा सकता है कि वो स्थिति कांग्रेस में भी बनेगी। अब ये क्या कांग्रेस ये मानती है कि बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा यशपाल आर्य का, या यशपाल आर्य को जी को टिकट नहीं दिया जाएगा, टिकट दोनों को दिए जाएंगे, बस बदलाव इतना होगा कि पहले बीजेपी के टिकट पे थे तो 2022 में कांग्रेस में यशपाल आर्य संजीव आ रहे हैं, यशपाल आ रहे संजीव आ रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत। फिर हरीश रावत है, फिर आनंद रावत है, फिर वीरेंद्र रावत है, फिर अनुपमा रावत है, फिर तमाम रावत है, अब फिर इसके बाद फिर पेरिस आती है, तो फिर इंदिरा इंद्रेश के बेटा कहेगा फिर ये मैंने क्या किया। बिल्कुल, प्रीतम सिंह माता जी है नहीं, इस बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी करेंगे, तो घर के भीतर से ही दावेदारों की कतार है, तो कैसे संतुष्ट होगा? ओके लखपत जी, आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन संगीता जी दोबारा जुड़ गए मेरे साथ। संगीता जी, किस तरह से देखती हैं परिवारवाद को? ऑडियो नहीं आ रहा मैडम आपका, ऑडियो की समस्या आ रही है। ओके लखपत जी, अपनी बात रखिए, फिर वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी, मैं पहली बात कहना चाह रहा, सुभाष जी ने बहुत नजदीक से देखा, आपने भी देखा उत्तराखंड की राजनीति को और हरीश रावत जी को,
आप जानते हैं कि जब भी चार चुनावों में जब टिकटों का बंटवारा हुआ है, हरीश रावत जी ने बहुत अच्छी भूमिका में वो रहे और उन्हें कांग्रेस के अच्छे लोगों को टिकट दिलाने का काम किया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि 17 में भी यही हल्ला था, हरीश रावत जी चार टिकट चाहते हैं, 12 में यही हल्ला था जो बातें कही। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि आनंद रावत यूथ का प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद यदि उनको टिकट मिलता है उसमें कहाँ परिवारवाद। संजीव आर्य यदि कांग्रेस के यदि विधायक रह चुके एक बार के, पार्टी टिकट देती, जीतने के लिए देती है और उनका जनाधार है, वहां की जनता उनको स्वीकार करना चाहती है। लोकतंत्र में परिवार से टिकट देने के बाद जनता जनाधन होती है, जनता के यहाँ से आपको उनका दिल जीतना पड़ता है, उस क्षेत्र में आपको जाकर के अपना अग्नि परीक्षा देनी होती है। और यदि इस अग्नि परीक्षा में कोई निकल जाता है और पार्टी को लगता है ये व्यक्ति जीत सकता है तो निश्चित रूप से पार्टी को देना चाहिए। हाँ, जहाँ पे पार्टी को नुकसान होता है और केवल ये कि ये पुत्र किसी मंत्री का लड़का है, किसी मुख्यमंत्री का लड़का है, किसी सांसद का लड़का है और वैसे ही टिकट दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी होगी। लेकिन पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने इंदिरा हृदयेश जी के लड़के का भी, सुमित हृदयेश का भी आपने बात किया, मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ कि इंदिरा हृदयेश हमारी बड़ी नेता रही है और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत जनता के बीच, हल्द्वानी के बीच बहुत बड़ा काम किया। उनका लड़का चेयरमैन रह चुका है, ऐसा नहीं को पार्टी में नहीं रहे, संगठन में रहे, सभी जगह लोग रहे। और मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ तिलक जी कि कांग्रेस में इस तरह के नेता नहीं होते हैं जो सीधे विदेश से पढ़ करके भाजपा की तरह मोदी जी के नाम पे वोट दे दो और बाद में कहेंगे वोट तो मोदी जी को दिया था, हम विकास काय को करेंगे। तो कांग्रेस में ये नेता का नेतृत्व जमीन में काम करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ थी तिलक जी कि बीजेपी के सड़क छाप मनीष खंडूरी ने कहाँ से काम किया था, ग्राउंड से, कौन से ग्राउंड से काम किया था मनीष खंडूरी ने? सुन लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चुनाव में आज मैं उस पे भी मैं कंप्लीट कर दूं। अभी वर्मा जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आपकी करिश भी है मेरे पास। मैं दिक्कत वहां पे आती है, भाजपा के एक सड़क छाप नेता से लेकर सारे के सारे सीधे राहुल गांधी जी पे पहुंच जाते हैं, सीधे सोनिया गांधी जी पे कोई नहीं जा रहा। मैं यही पर ही मनीष खंडूरी में कौन सी काबिलियत थी, टेंडेंसी है, ये ज्ञान लेके आ जाते हैं। जो ये कहते बार बार चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या उनको अनुभव नहीं चाहिए? आप अनुभव विहीन मुख्यमंत्री को उत्तराखंड पे जनता पे थोप देते हैं, जिसको कैबिनेट लायक नहीं समझते हैं, उसको राज्य मंत्री लायक नहीं समझते, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं जिसको कुछ पता नहीं, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। नहीं 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 तिलक जी, हमारे घर 2012 में आपने क्या किया था, विधायकों की पसंद थी क्या? विजय बोगड़ा दिल पे हाथ रखिए विजय बोगड़ा, क्या विधायकों की पसंद थी, किसने थोपा था? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल की गई, उसका परिणाम पार्टी ने भुगता, लेकिन अभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ दूसरों के घर पत्थर मत मारिए, जब तक घर शीशे के हो। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, लगता जी संगीता जी अब आया मेरा ऑडियो, ने उन पे भरोसा किया, उन्होंने पार्टी पे खंजर भोंका और पार्टी इस तरह की अब धोखे में नहीं आने वाली है। लखपत जी इतना मत बोलिए, खड़े हुए लाइन में बहुत सारे वही खंजर भोंकने वाले, समझ रहे ना सर? जी जी, वही लाइन में खड़े पार्टी सारे कांटे हटा दिए, जो इस तरह के बबूल थे उनको हटाने का काम पार्टी ने कर दिया। पार्टी अभी एक बबूल डोई वाला से, लैंसडाउन से और मसूरी से अपनी लिस्ट भेज चुके हैं वो, जिन बबूल का जिक्र कर रहे हैं आप। रुक जाइए संगीता जी, अब मेरा ऑडियो आया मैडम, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी अभी लखपत जी की तो मैं लिस्ट पढ़ूंगा, मैं आपकी लिस्ट पढ़ सकता हूँ, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं भाई सर, मैं नाराज नहीं। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ हरभजन सिंह चीमा से। हरभजन सिंह चीमा अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के लिए टिकट मांगते, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत अपने बेटे विकास भगत के लिए टिकट मांगे। भगत सिंह कोश्यारी जी के भतीजे हैं दीप कोश्यारी, वो लाइन में खड़े हैं। पूर्व सांसद स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत मेरे दिल के भी करीबी रहे, बहुत सज्जन व्यक्ति रहे। उनके बेटे हैं शशांक, वो कतार में है। एक नाम और ले रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोग भयभीत हो जाए नाम सुनकर, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। वर्मा जी, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, चैंपियन जी अपनी पत्नी दिव्यानी के लिए टिकट मांग। हरक सिंह रावत का तो जिक्र मैंने कर दिया, वो पुत्र मधु और तमाम दावेदार। ये पेरिस मैंने झूठ पड़ी, गलत पड़ी वर्मा जी?
तिलक जी, आपने जिस तरह से अभी कई सारे नामों का जिक्र किया, वो सभी अपने आप में सक्रिय राजनीति में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, समाज में उनकी अपनी एक पहचान है, और राजनीति में जब चुनाव जब अभी पूछवा दूं कौन अभी पूछवा दूं आपके सामने इस बात से तिलक जी जिस समय चुनाव होते हैं उस समय जिताऊ की भी एक कसौटी होती है, कौन कौन जिताऊ कंडिडेट है और कौन कैपेबल है, काबिलियत के अंदर है, इन सारी चीजों का एक ये काबिलियत नेता पुत्रों के पास ही होती है, संजीव वर्मा या लखपत बड़ोला के पास नहीं होती। सर ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में इनका कौन सा कैडर है जो मैंने जिनके नाम लिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक कार्यकर्ता की अपनी वैल्यू है, मैंने जिनके नाम लिए उनमें बताइए ना कौन सा कैडर है। सुभाष गौड़ सर, क्या ये बीजेपी के घर के भीतर परिवारवाद नहीं है? इनके जो बड़े मंत्री हैं, हरक सिंह रावत की बात कर ली जाए तो अनिरुद्ध देसाई इससे पहले राजनीति में नहीं हुआ करती थी, केवल चंद तीन सालों के भीतर ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा, वो भी केवल समाज सेवा के रूप में। उन्होंने कहा, उन्होंने एक एनजीओ बनाया, उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय हुई, कहा जा सकता है तीन साल के भीतर वो टिकट मांगने यानी टिकट की दावेदारी करने लगी। पार्टी के ही जो विधायक है महेंद्र, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बड़े बयान देती रही कि उनकी विधानसभा में बेहतर काम नहीं हुआ, बल्कि उनका परिवार था बीजेपी से जुड़ा हुआ था, उनके जो ससुर थे वो बीजेपी में मंत्री थे, उसके बावजूद अपनी सरकार अपनी विधायक के खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी करती हुई वो कई बार नजर आई हमको उनके जो विधानसभा उसमें। उसके अलावा कहा जा सकता है कि जो चीमा है वो उनके बेटे इससे पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको लगा कि उनकी उम्र हो चुकी है अब कहीं ना कहीं परिवारवाद बढ़ाना चाहिए, पार्टी में कहीं ना कहीं परिवार को सक्रिय करना चाहिए, तो बेटे के लिए टिकट मांगने पहुंच गए। उसी तरीके से अगर चैंपियन की बात की जाए तो चैंपियन की जो कहा सकता है धर्मपत्नी है, वो चाहते हैं कि दो सीटों पर वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़े, चैंपियन केवल अपनी धर्मपत्नी नहीं बल्कि अपने लिए भी टिकट मांग रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि खुद तो राजनीति में रहना है लेकिन परिवार के व्यक्ति को और सक्रिय करना है ताकि कहीं ना कहीं पार्टी पर दबाव बनाया जा सके और आगे आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं पार्टी पे भी उन लोगों का दबदबा रहे, क्योंकि हरक सिंह रावत ने जिस तरीके से देखा जा रहा है वो अपने टिकट मांगते हैं, बहू का टिकट मांगते हैं, रिश्तेदारों का टिकट मांगते हैं, कल कुल मिला के कहा जा सकता है तीन से चार लोगों का टिकट मांगते हैं। और विधानसभा क्या हो गया, लखपत जी भी दिलवा देंगे किसी को मसूरी से टिकट, क्या हो गया, लखपत जी चाहेंगे तो मसूरी से किसी को भी टिकट दिलवा देंगे उनके रिश्तेदार को, लखपत जी हो सकता है ना ऐसा कि अगर हरक सिंह रावत जी को बीजेपी से नहीं मिला तो आप किसी को मसूरी से दिलवा देंगे टिकट की, नहीं हो सकता ऐसा? देखिए तिलक जी, कांग्रेस इस तौर के किसी भी काम को नहीं करेगी जो कार्यकर्ताओं को हितों को मारेगी, और पहली बार मैंने आपसे पुनः कह दिया पार्टी ने निश्चय किया है कि डिसीजन लिया है कि जो लोग बाहर से आएंगे और वो कहें कि हमें चार चार टिकट चाहे दो चाहे वो कांग्रेस नहीं देगी। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा लखपत जी, मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा आपको, अगर आप मेरे उदाहरण को कहेंगे कि नहीं तुमने गलत बोला तिलक चावला, मैं डिबेट को यही खत्म। उदाहरण के साथ वर्मा जी बैठे हैं, उदाहरण के साथ बताऊंगा। संगीता शर्मा जी, अब मेरा ऑडियो आया आपको, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मैडम, अब मेरे को भी आपकी आवाज आ रही है और आपकी आवाज भी मेरे तक पहुंच रही है। संगीता मैडम, आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद तो होता ही नहीं है, जो काबिल है उसको टिकट दिया जाता है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस आसानी से झूठ बोल लेते हैं और उसको सच समझ लेते हैं, और लगातार इनकी पार्टी परिवारवाद करती आ रही है। और अभी हम कालाडूंगी सीट की बात करें तो बंसीधर भगत जी भी अपने बेटे विकास के लिए टिकट मांग रहे हैं, कनक धने जी के लिए टिकट मांगा जा रहा है, तो लगातार अपने बेटे बहुएं और बेटियों के लिए लगातार टिकट की डिमांड हो रही है, और ये साफ साफ बैठ के डिबेट में ये भी कह देते हैं कि परिवारवाद नहीं चल रहा है। तो इनके दो चेहरे हैं, कहने का कुछ और करने का कुछ। अगर अभी ये हरक सिंह रावत जी से कह देंगे कि भाई हम टिकट नहीं देंगे आपकी बहू को, तो दूसरे दिन वो पार्टी बदल करके कांग्रेस में आ जाएंगे, जैसे यशपाल आर्या जी के साथ हुआ।
और कांग्रेस कहती आ रही है कि एक परिवार एक टिकट। अगर ये एक परिवार एक टिकट की बात कर रहे हैं तो इस बार क्या देते कि संजीव आर्या जी को टिकट नहीं दिया जाएगा या यशपाल आर्या जी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोनों को टिकट दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम अनुपमा रावत जी की भी बात करें तो पिछले दिन जो महिलाओं का विवाद चल रहा है, इनकी अंतर कलह पार्टी के अंदर, इनकी प्रदेश महिला अध्यक्ष जो है वो भी पार्टी छोड़ करके जाने की तैयारी में है सरिता आर्या जी, तो अनुपमा रावत जी भी टिकट मांग रही थी क्योंकि महिलाओं को 40% टिकट जो यूपी में देने की बात करी तो वो उत्तराखंड में सोनिया प्रियंका गांधी जी ने क्यों नहीं की, ये सवाल वो उठा रही थी। तो टिकट परिवार के लोगों को ही चाहिए, बाकी लोग तो बस यूं ही संगठन में जुड़े रहे। ये इन दोनों पार्टियों की नीतियां चलती ही आई हैं जो उत्तराखंड की जनता देख रही है लगातार। अभी हम सुमित हृदय तो इंदिरा जी के बाद उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और जो वहां से और कोई मजबूत होगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये परिवारवाद लगातार दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है और चल रहा है। आपके यहाँ तो किसी को नहीं मिला ना? हमारे यहाँ परिवारवाद, धर्मवाद, जातिवाद का आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती आई है और आगे भी कर रहे हैं कि कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास। तो कैंडिडेट तो आप बताइए कि आपने तो अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने तो 51 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दिए हैं, तो अगर कैंडिडेट नहीं होते तो 51 प्रत्याशी उतार नहीं चुकी होती। तो आपके कहने से कुछ नहीं होता कि कुछ नहीं है। आपको तो अभी ये डर है कि जैसे ही कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो कौन बचेगा और कौन जाएगा, क्योंकि अंदर इतना घमासान मचा हुआ है। तो दोनों ही पार्टियां पहले अपने घमासान के युद्ध को लड़ लें, उसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करेंगी, क्योंकि कितने नाराज हो जाएंगे, कितने को मनाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात। की बात कर ली सुभाष, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, फिर संजीव जी और लखपत जी उदाहरण के साथ आऊंगा। खबर ये आ रही है सुभाष, इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, कि सरोजनी मैडम नाराज हो गई है। वो नाराज है जो लखपत जी के घर में खबर आ रही है कि सरोजनी मैडम नाराज हो गई है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही और साथ ही साथ महिला आयोग की अध्यक्ष होने के साथ वो अपने पुत्र वधु के लिए टिकट मांग रही थी। नाराज है मैडम, कुछ सुनने में आया है? बिल्कुल नाराजगी बहुत ज्यादा है और ये कहा जा सकता है कि नाराजगी की वजह यही है कि टिकट को लेके कहीं ना कहीं उनका टिकट कट सकता है, शायद इस वजह से भी नाराजगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि केवल इतने ही नहीं बल्कि घर के अंदर कई बड़े नेता भी नाराज है, पूर्व विधायक भी नाराज है। नाराजगी आखिरकार इस बात की है कि क्या उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर परिवारवाद की वजह से उन लोगों का भी टिकट कटता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में घमासान जरूर है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि इस वजह से हर बार टिकट की जो घोषणा यानी कि टिकट की जो लिस्ट है वो देरी से करती है, क्योंकि बड़ा खामियाजा टिकट की घोषणाओं के बाद कांग्रेस भवन में देखने को मिलता है। 2017 में जब टिकट की घोषणा हुई तो कांग्रेस भवन में हंगामा हो गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ तक शुरू कर दी, केवल इस वजह से कि उनके नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। उनके 2012 में बीजेपी के घर में भी हुआ था, वर्मा जी हुआ था कि नहीं हुआ था? 2017 में भी हुआ था, पार्टी का झंडा फाड़ दिया था, पार्टी का पोस्टर फाड़ दिया था। कौन, पुरोला वालों ने? नहीं, धर्मपुर विधानसभा सीट के लिए बड़ा हंगामा। अच्छा, धर्मपुर वालों ने फाड़ दिया। अच्छा, पुरोला वालों ने भी तो हंगामा किया था ना वर्मा जी, वो 2012 में होगा शायद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से अनुशासन है और जो भी अनुशासनहीनता करता है उसको उसकी सजा दी जाती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो अपने प्रदेश के महामंत्री का बाजार कपड़े फाड़ते उसको हैं और कलरी कुछ करते हैं उसके साथ, महामंत्री संगठन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए वर्मा जी, ज्यादा हो गया, एक मिनट। एक मंत्री कैबिनेट बैठक के अंदर इस्तीफा फेंक के चला जाता है, वो अनुशासनहीनता है कि एक विधायक अपने मंत्री को सर किसने सार्वजनिक रूप से कोसता है, वो अनुशासनहीनता है कि नहीं? नहीं है ना ये सर, सब कुछ ये कपूर सर। अच्छा, ऐसा कुछ हो ही नहीं है। अच्छा, दिलीप रावत जी शायद वो तिलक चावला को गालियां दे रहे थे। हरक सिंह रावत जो है इस्तीफा कैबिनेट में नहीं फेंक के गए थे, वो मैं फेंक के गया था। कोई बात नहीं, हो जाता सर, हो जाता। अब मैं उदाहरण बताता हूँ लखपत जी, वर्मा जी। दरअसल ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं ना, ये हम आप लोगों की आवाज है, समझ रहे हैं आप? लखपत जी, मैं तो आपको लगभग शायद 20 साल से जानता हूँ
कांग्रेस में कितनी उम्र हो गई आपकी कांग्रेस में? ईमानदारी से लखपत जी। जी तिलक जी, कांग्रेस में कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 साल से जुड़ा हूं। 22 साल से जुड़े हैं ईमानदारी के साथ? कोई इस 22 सालों में मैंने कईयों को यहां जाते हुए देखा, कईयों को वहां जाते हुए देखा, जो गए वो फिर वापस भी आ गए कांग्रेस। लेकिन लखपत बड़ोला ईमानदारी के साथ खड़े रहे। आपने कहा ना कि क्या है राजनीतिक विरासत, मैं बताता हूं। लखपत साहब, मनीष खंडूरी के पास क्या काबिलियत है वो मुझे नहीं बता पाया, लेकिन लखपत बड़ोला के अंदर क्या काबिलियत है उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊं। वर्मा जी, लखपत जी, बुरा मत मानिएगा, पार्टी के भीतर कैडर, ग्रास रूट के नेता आप लोग दरी, झंडा, डंडा सब उठाते हैं, टिकट मांगते हैं तो टिकट नहीं मिलता। ईमानदारी से बताओ लखपत जी, आपने कितनी बार दावेदारी की? ईमानदारी से बताना। देखिए घुमाओ मत मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज, पहले ये बताओ कितनी बार दावेदारी की आपने? तो स्पष्ट होता है, मैं कह लेता हूँ, पार्टी के सहयोग से मैं लगातार गढ़वाल मीडिया प्रभारी रहा हूँ, बहुत लंबे समय से पार्टी में प्रवक्ता हूँ, पार्टी ने बहुत जिम्मेदारियां दी और मुझे बहुत सारी चीजें दी है। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हूँ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष। लखपत बड़ोला जैसे मैंने कई नेताओं को देखा है कांग्रेस भवन में धूल फांकते रह गए, उनको मुझे मिला तिलक जी, आपने कहा दावेदारी की, आप बताइए ना, आप दावेदारी बताइए ना कहा से की। मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ इस चैनल पे, आज सुन लीजिएगा, मैं बड़ा खुलासा भी करूंगा और ये सुभाष जी को भी पता है कि मैं जब 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष था तो भाजपा ने मुझे टिकट की दावेदारी पेशकश की थी और उस समय इनके जो यहाँ पे संगठन मंत्री थे, वो केंद्रीय मंत्री है अभी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 16 तारीख को आपको केदार सिंह रावत और नारदा तिवारी को कांग्रेस ज्वाइन करनी है। लेकिन मैं तब भी कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करनी मैं तब भी नहीं किया, मैं आपसे खुली बात कह रहा हूँ और ये आज मैं खुलासा कर रहा हूँ, भाजपा ने मुझे टिकट का ऑफर किया, लेकिन मैं मुझे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा क्योंकि मेरी विचारधारा, मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए कांग्रेस जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, टिकट एक व्यक्ति को मिलना जिम्मेदारी है। मैं बद्रीनाथ विधानसभा से आता हूँ, मेरे यहाँ राजेंद्र भंडारी पूर्व कैबिनेट मंत्री है, दो बार के विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और मजबूत दावेदार है, इसलिए उनका भी बता देता हूँ आपको, मैं सबका बही खाता लेकर बैठता हूँ। अब सुनिए ना, अब सुनिए, आप बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, उनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? निश्चित रूप से लड़े, मिला निर्दलीय चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? निश्चित रूप से लड़े, लेकिन आगे के 2012 में कांग्रेस समर्थन किया, आप बताइए किसको समर्थन किया था जी? निश्चित रूप से आप बड़ी बात कहे, लेकिन 2012 में कांग्रेस में आए, बड़े बहुमत के साथ जीते, 17 में हारे हैं, उसके बाद पुनः दावेदार मजबूत है, उनकी मिसेज जिला पंचायत घर में भी परिवारवाद है, जिनका नाम ले रहे हैं आप उनके घर में भी परिवारवाद है। पार्टी के हित में कोई बुराई नहीं, मेरा व्यक्तिगत मानना ये भी है, पार्टी हमसे बुराई नहीं। संदीप वर्मा जी, हित में हम पार्टी मुझसे, अगर अगर काबिल नेता परिवार के घर के भीतर ही है तो टिकट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संजीव वर्मा का हक क्यों मारा जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, संजीव वर्मा जैसे कार्यकर्ताओं का हक कौन मार रहा है फिर? तिलक जी आज हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगा रहता है, जुटा रहता है और पार्टी को एक स्वर्णिम मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा उसका सब है, परम वैभव तक पहुंचाने के लिए जुटा रहता है पूरा जी जान से। और पार्टी भी मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर छिपे हुए सीसीटीवी कैमरास हैं जो हर कार्यकर्ता का आकलन करते हैं, अच्छाई में भी और बुराई में भी, और जो कार्यकर्ता की अच्छाई होती है, भले आज हमको उस चीज का लाभ नहीं मिला लेकिन भविष्य में उसका लाभ हमारे को अवश्य मिलेगा। हम आपके काबिलियत नहीं है ना, कोई परिवार का सदस्य नहीं है वर्मा जी आपका, और आपका भी कोई परिवार का सदस्य होता तो टिकट आपको भी मिल जाता। ओके संगीता जी, मैंने गलत उदाहरण दिया और मैंने सामने उदाहरण दे दिया इसके, उनको उनके अनुसार संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए, फिर सुभाष एक बड़ी खबर और आ रही है, मैं आ रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं तिलक भाई कि परिवारवाद के चलते जो कहीं ना कहीं
मजबूत कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत समय तक अपना सब कुछ न्यौछावर किया है वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। अगर परिवारवाद ना हो, अपना बेटे बहुओं के लिए टिकट ना मांगा जाए तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का हक है वो उन्हें मिल पाएगा। और कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगी, कोई भी पार्टी हो वो परिवारवाद की प्रणाली नहीं चलानी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता तन मन से जुटे हुए हैं और काम करते हैं उनको भी पार्टी को देख करके समझ करके आगे लेकर आना चाहिए और उनका हक देना चाहिए। अच्छा एक खबर लखपत जी, क्योंकि सुभाष भी यहाँ पे मौजूद है, सुभाष याद होगा आपको अभी एक हफ्ता पहले लखपत जी हम टिहरी जा रहे थे, सुभाष और मैं, हमने तय किया कि हम टिहरी जाएंगे। हमने किशोर उपाध्याय जी को फोन किया, किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि तिलक भाई जरा सोच समझ के आना, सुभाष मौसम का मिजाज खराब है, मौसम का मिजाज। सुनिए तो सही लखपत जी, अभी बता रहा हूँ, ब्रेकिंग बता रहा हूँ, एक और ब्रेकिंग। लखपत जी मौसम का मिजाज इतना खराब था कि देहरादून के रेस कोर्स में शॉल ओढ़े हुए किशोर उपाध्याय जी कैमरे में कैद हो गए। आपने नोटिस थमा दिया, सारे पद वापस ले लिए, वो नाराज हुए। अब एक और को नोटिस थमाने की बारी आ रही है तुम्हारे। मेरे पास खबर ये आ रही है कि पूर्व विधायक सरिता आर्य जी, कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष, कल मैडम इसी तरह एक फ्लैट में सुनने में आ रहा है कि बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के लिए गए और लखपत जी फिर नाराज हो गए हैं और फ्लैट संख्या 27 बताई जा रही है और जो अपार्टमेंट था वहां पे लगभग 4 से 5 बीजेपी नेताओं का घर बताया जा रहा है। सुभाष क्या ये खबर सही है? जी खबर बिल्कुल सही है, और क्योंकि यह कहा जा सकता है सरिता आर्य काफी नाराज चल रही थी जैसे यशपाल आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि सरिता आर्य का ये भी कहना था कि वो महिलाओं के अध्यक्ष और जब अपना ही टिकट नहीं ले सकती हैं तो वो और महिलाओं को क्या टिकट दिलाएगी, यदि उनको उनका टिकट काटा जाता है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगी और भाजपा में जाकर कहीं ना कहीं वो दिखाएंगी कि महिलाओं की शक्ति क्या होती है और महिला किस तरीके से चुनाव के मैदान में उतर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की बेहतर कार्यकर्ता, कांग्रेस महिला को मजबूत करने वाली कार्यकर्ता, जब उसका टिकट कट सकता है, जब उनको डर है कि परिवारवाद की वजह से उनका टिकट कट सकता है, उनको बड़ा खामियाजा हो सकता है, तो कहा जा सकता है परिवारवाद कांग्रेस में बिल्कुल साफ नजर आता है। और खुले आप सरिता आर्य ने बात कही है कि यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी के टिकट पर वो। सुभाष जी मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा आज, सरिता आर्य की स्थिति ने तब होता 2017 में चुनाव नहीं टिकट दिया गया नहीं गया, जीती पार्टी क्या उन्हीं को ढोती रहेगी, 12 में टिकट दिया नहीं दिया उनको, 7 का टिकट दिया नहीं दिया पार्टी ने उनको, हो रहे थे सरिता आर्य हो रहे थे लगभग भाई 17 में तो राजेंद्र मंडल को टिकट मिला, लेकिन का जो पीसीसी से जो बयान था, जो कल की उतनी हरकत थी, इसके लिए इतने कुछ शब्द बोल रहा हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ पार्टी ने अभी लिखित जारी नहीं की है, पार्टी निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान। अच्छा ये 40% में नहीं आती होंगी मैडम, 40 प्रियंका गांधी के 40% वाले कोटे में नहीं आती सुभाष मैडम, इसलिए लखपत साहब कह रहे हैं कि ढो रहे थे हम तो आपकी पार्टी की सीनियर महिला लीडर्स कहती है कि लगभग 40% महिलाओं को टिकट देना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरिता आर्य को भी उसमें टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि वो एक बड़ी कैंडिडेट है, लेकिन उनका टिकट केवल इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि आप यशपाल आर्य और उनके बेटे को पार्टी में शामिल करते हैं और यशपाल आर्य के बेटे का टिकट नैनीताल से नहीं काटते हैं। सुभाष जी आप एक चीज बताए कि 4 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के अंदर हुआ, महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए, मेरी पार्टी ने दिए, और मैं कह रहा हूँ क्या सविता ही महिला है? क्या हम दूसरे कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, महिलाओं को कम टिकट देंगे हम? उस समय आप कहे की महिलाओं को टिकट नहीं दे, सविता आर्य को टिकट देने महिलाओं का आरक्षण संजीव जी
लखपत जी अगर मैडम आती है, ओके अगर सरिता मैडम आती है तो उनका टिकट तो पक्का है संजीव जी। देखिए तिलक जी, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है ये हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, इस पे टिप्पणी करने को किसी प्रकार का कोई नहीं, वर्मा जी आप गलत बोल रहे हैं। नहीं मैं उदाहरण दे दूंगा, फिर उदाहरण दे दूंगा आपको, उदाहरण दूं। तिलक जी तिलक बात पूरी करने दीजिए प्लीज। लेकिन मैं कहता हूं अगर कोई नेता है और जिताऊ कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति चलने के लिए तैयार है तो मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देती है तो इसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है हमारे टिकट जी, है ना? आप गलत बोल रहे हैं, हरक सिंह रावत तय करते हैं कि चुनाव कहां से लड़ना है, समझ रहे हैं आप? पार्लियामेंट्री बोर्ड तय नहीं करता कि हरक सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, हरक सिंह रावत तय करते हैं कि कौन सी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना है। तिलक जी, हरक सिंह एक जनाधार वाले नेता है और कौन सा जनाधार? आप सीट छोड़कर भाग जाते हैं, भगोड़े हैं, आप सीट छोड़कर भाग जाते हैं, आप जनता के साथ धोखा करते हैं, कौन सा जनाधार? आप जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, जिस सीट से जीतते हैं, जहां से मंत्री बनते हैं, आप उस सीट को छोड़कर भाग जाते हैं। जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ा वो वहां से उन्होंने जीत दर्ज, जिस भी विधानसभा से जनता बेवकूफ है, और जिन जिन विधानसभा में वो उन विधानसभा में उन्होंने संगीता जी किया, उन्होंने बहुत काम वर्मा जी हरक सिंह रावत सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सुनने में आया कि बैठक चल रही थी वहां से भी चले गए, पक्का खबर नहीं है, सुबह दे देंगे खबर। ओके संगीता शर्मा जी, परिवारवाद हावी हो रहा है लग रहा है आपको एक बार फिर से? देखिए परिवारवाद तो हावी हो ही रहा है, और अभी लखपत भाई की जो शब्दावली थी कि वो सरिता आर्या जी को ढो रहे हैं, तो एक महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये बात कहना तो ये महिलाओं का सम्मान कर रही है, ये भी दिखाई देता है। वहाँ महिलाओं का सम्मान कैसे देंगे वहाँ की महिलाओं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इनकी जो प्रवक्ता है सत्याग्रह पर बैठने के लिए तैयार है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं सत्याग्रह पर बैठ जाऊंगी क्योंकि हम गांधी जी की पार्टी के लोग हैं। तो ये हालात कांग्रेस में इस समय चल रहे हैं क्योंकि जो कहीं ना कहीं टिकट परिवारवाद के चलते उनको टिकट नहीं मिल रहा है, लड़ाई संजीव आर्या और यशपाल आर्या जी को दिया पहली रात ज्वाइन करके और अगले दिन टिकट, हो सकता है सरिता आर्या जी भी भाजपा में जाए और उन्हें टिकट मिल जाए, वो इसी आस को लेकर के भाजपा ज्वाइन करेंगी। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल लगा रहा है। फिर उसके बाद संजीव वर्मा आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, पहली बात तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा ढो रहे, मैंने ढोना नहीं बोली, मैंने कहा कि सरिता आर्या जी को दिया है और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए और अच्छा हो, उन्होंने बयान गलत दिया है पहली बात है, बयान सही दिया। दूसरी बात, कांग्रेस ने हर विधानसभा में हर ब्लॉक में बहुत सारे कागजशील अपने कांग्रेस के लिए और भी टिकट कांग्रेस ने दिया, आपने की लिस्ट जारी की जाना चाहिए, आपसे कह रहा हूँ।
जी पूरे सबूत के साथ चर्चा करेंगे ना, मैं देख लूं कि उसमें लखपत जी का नाम आता है कि नहीं आता, देख लूं मैं भी कि वर्मा जी का नाम आता है नहीं आता। वर्मा जी मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बड़ा दम ठोक रहे हैं आप कि हमारे यहाँ ये हमारे वहाँ वो हमारे यहाँ वो, दावा करते हो कि किसी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी। सर मैंने ही कहा मिलेगा, मैंने कहा ये निर्णय करने का अधिकार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो दिल्ली में बैठेगा इस बात को निर्णय करेगा, और साथ ही परिवार के अंदर अगर योग्य है तो उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिताओ है वो उनको टिकट दिया जाए, और मैं कोई बुराई नहीं। अच्छा मतलब कार्यकर्ताओं के हक पर डाका मार दोगे आप, कार्यकर्ताओं के हक पर डाका मारोगे? सर अगर मैंने कहा अगर कोई डिजर्विंग है और वो जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नैया को पत्थर लगाने की स्थिति में है तो ऐसे कोई बुराई नहीं। ओके, कोई बुराई नहीं। सुभाष ये कह रहे हैं कि बुराई क्या है, परिवारवाद, परिवारवाद में बुराई क्या? लेकिन 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 एक मिनट, लेकिन क्या सुभाष वाकई में पूछी जब जारी होगी कुछ ही घंटों के बाद, हो सकता है कि कुछ ही मिनटों के बाद जारी हो जाए, लेकिन परिवारवाद को लेकर घमासान दिखाई देगा या फिर नहीं, ये एक अलग विषय है, मगर ये जरूर मान सकते हैं कि घमासान होगा ही होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घर टिकट बंटवारे के बाद। बिल्कुल घमासान, बहुत बड़ा घमासान आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो या फिर कांग्रेस कार्यालय हो, क्योंकि तमाम पहाड़ के जो नेता उम्मीद कर रहे थे कि उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए था, वो सभी लोग राजधानी देहरादून में मौजूद हैं, जो बीजेपी के नेता है वो बीजेपी के दरवाजे पर मौजूद है, और जो कांग्रेस के नेता है वो कांग्रेस के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं कि उनका टिकट का फाइनल होगा। यदि परिवारवाद की वजह से उनका टिकट कटता है तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा खामियाजा दोनों ही पार्टियों को हो सकता है, बड़ा विरोध प्रदर्शन दोनों ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज दोपहर से हम देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर तमाम पूर्व विधायक मौजूद हैं, तमाम वो सभी बड़े नेता मौजूद हैं जो टिकट के इंतजार कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे नेता भी हैं जो वर्तमान में विधायक है लेकिन परिवारवाद की वजह से उनका टिकट कटने के आसार लग रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो लिस्ट है वो जारी हो और उसके बाद वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि सबसे पहले कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत वो बड़े नेता हैं जो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं अपनी सीट बदलने के लिए, लेकिन अपने परिवार का भी टिकट मांग रहे हैं, उस सीट पर मांग रहे हैं जिस सीट पर पहले से ही भाजपा का विधायक काबिज है, और उस सीट पर भाजपा की जो स्थिति है वह अच्छी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस सीट से उनकी बहू चुनाव लड़े, तो कहा जा सकता है कि नाराजगी पार्टियों के अंदर, गुटबाजी पार्टियों के अंदर खूब जोरों शोर से इन दिनों नजर आ रही है, लेकिन बड़ा खामियाजा कब देखने को मिलेगा, जैसे ही पहली लिस्ट जारी होगी चाहे भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की, जैसे ही लिस्ट जारी होगी उनमें उन चेहरों का नाम नहीं होगा जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से 20 सालों से इंतजार कर रहे हैं आने वाले भविष्य में उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, पार्टी उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन फिर क्योंकि परिवारवाद की वजह से उनका टिकट कटेगा तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पार्टी को बड़ी नाराजगी होगी क्षेत्र में, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों की जो वोट बैंक की स्थिति है जो चुनाव से पहले यानी कि लिस्ट जारी होने से पहले बेहद बेहतर रहती है, वो जैसे ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होती है उसके बाद गुटबाजी शुरू हो जाती है, और जो जीतने की स्थिति में होता है वो हारने की स्थिति में पहुंच जाता है किसी भी राजनीतिक दल में, यही स्थिति आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे सुभाष आप, परिवारवाद की छाया से दूर ना तो वर्मा जी है ना लखपत भाई है, अब परिवारवाद को लेकर अलग परिभाषा आम आदमी पार्टी इसलिए गर्व करती है क्योंकि आम आदमी पार्टी को मालूम है कि हम अभी नए नवेले हैं, परिवारवाद तो बाद में आए अभी तो नए हैं, लेकिन लखपत भाई चलते चलते क्योंकि कार्यक्रम मुझे यहाँ पर खत्म करना होगा, मुझे आदेश आ चुका है, लेकिन एक चलते चलते उदाहरण देता हूँ आपको, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया ना, जैसे मनीष खंडूरी का उदाहरण दिया मैंने आपको, ऐसे कई है जो पैरिस उनकी बहुत लंबी है, अब मैं एक नाम नहीं लूंगा, आपके कई चाहने वाले वर्मा जी के चाहने वाले दिल्ली में इस वक्त टिकट की दौड़ लगानी चाहिए, हर किसी की उम्मीद होती है, जैसे आप मेरे मित्र हैं, वर्मा जी मेरे मित्र हैं, वो भी एक मेरे मित्र हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं,
उनका फोन आया सुबह मेरे पास, बोले तिलक भाई देहरादून नहीं दिल्ली में हूं, मुलाकात करनी है। मैंने कहा मुलाकात आज संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं देहरादून में, बोले दिल्ली में तो बहुत ज्यादा सर्दी, दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी। मैंने कहा फिर दिल्ली में कर क्या रहे हो, बोले टिकट मांगने आया था। मैंने कहा मिलेगा, बोले नहीं साहब के बेटे को मिले। तो मैंने कहा मांगने क्यों आए, बोले टिकट तो नहीं मिलेगा मालूम है लेकिन कम से कम कोशिश तो कर लूं। नाम मत बुलवाइएगा लखपत भाई, वो भी जी, मेरे जी, आप ही की तरह मित्र हैं वो मेरे जी जी, है ना सर। ये परिवारवाद की पीड़ा है बता रहा हूं आपको, टिकट मांगने के लिए दिल्ली की दौड़ तो लगा लेंगे लेकिन टिकट जानते हैं कि मिलेगा तो साहब के बेटे को। देखिए तिलक जी, आप जैसे मीडिया के पत्रकार वजह से वास्तविकता सामने आनी चाहिए, और निश्चित रूप से आपने ये डिबेट की, इस पे चर्चा की और हम लोग उनको बुलाए, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में कह सकता हूँ कि हमें पता होता कई बार सीनियर नेता होते बहुत समय से पार्टी की सेवा कर रहे होते और उन लोगों को जायज है कि प्राथमिकता दी जाती है। हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ, कुछ लोग जहाँ पे अयोग्य व्यक्तियों को टिकट दिया जाता केवल परिवारवाद के नाम पे, तो उसका हम घोर विरोध करते हैं। जो योग्य है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, और ये लोग किसी परिवार से, ये तो आपके घर की बात बता दी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। वर्मा जी आपके घर से भी एक फोन आया था मैडम का, अभी सूची जारी होगी ना उस पर भी चर्चा करूंगा। कहा कि हमारे यहाँ टिकट पर जो बड़े नेता है ना वो दावा ठोक रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी मार रहे हैं। सूची जारी होने दीजिए, उनका भी खुलासा करूंगा, नाम मत बुलाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लखपत भाई आपका भी, संगीता मैडम आपका भी, सुभाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासत है और उत्तराखंड की सियासत में इस तरह के कई किस्से छिपे हैं जहां पर परिवारवाद की छाया में भाजपा और कांग्रेस दोनों दिखाई देते। अब देखिए सूची जारी होगी तो परिवार के चेहरों को कितना मौका मिलेगा, या फिर कार्यकर्ताओं के हक पर डाका एक बार फिर से मार लिया। देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।